हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर पे। आज मैं आप लोग के समक्ष एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग कोर्स लेकर आया हूं। आज हम एक नए कोर्स का स्टार्ट करने वाले हैं और इस कोर्स का जो नाम है वो है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। इस कोर्स के अंदर हम सीखेंगे कि एक वेबसाइट कैसे डिज़ाइन किया जाता है, इसके बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, किन किन लैंग्वेज को हमें पढ़ना चाहिए एक वेबसाइट तैयार करने के लिए। तो इस कोर्स में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इस कोर्स के मदद से हम एक बहुत ही बेहतरीन एक वेबसाइट बना सकते हैं जो कि मोबाइल में भी चल सके, लैपटॉप में भी चल सके, टैबलेट में भी अच्छे से चल सके एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर पर भी चल सके। इवन हम इस कोर्स को करके हम हर डिवाइस के लिए वेबसाइट का डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और हमें बार बार हर डिवाइस के अलग अलग कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम कुछ ऐसा कोडिंग करेंगे, ऐसा वेबसाइट तैयार करेंगे जो कि हर मोबाइल हर डिवाइस पे प्रॉपर ऑपरेट हो सके। दैट मींस कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना हम सीखेंगे। हम इस कोर्स में बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक को कवर करने वाले हैं। तो ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये कोर्स हर स्टूडेंट कर सकता है, जैसे कोई ओ लेवल का स्टूडेंट हो, ए लेवल का स्टूडेंट हो, इवन आप BCA कर रहे हैं, कोई ग्रेजुएशन लेवल का भी कर रहे हैं कोर्स, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट कोर्स है। क्योंकि हर कोर्स में थोड़ा सा वेब डिजाइनिंग तो होता ही होता है और थोड़ा सा सी लैंग्वेज भी पढ़ना होता है। तो इस कोर्स के अंदर हम वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे और भी जो लैंग्वेजेस हैं उसको भी हम धीरे धीरे अपने इस चैनल पे लाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस कोर्स का सिलेबस क्या है, इसमें हमने किन किन टॉपिक्स को जानना जरूरी है। दैट मीन्स कि एक अच्छा वेब डिजाइनिंग करना है, एक अच्छा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना है, तो उनके लिए सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखते हैं इसके सिलेबस को, क्या क्या सिलेबस है इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग। सबसे पहले आपको वेब डिजाइनिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वेब डिजाइनिंग एक्चुअली होता क्या है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके कंप्लीट आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगला पॉइंट्स है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जब ये वेब डिजाइनिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो आप HTML से स्टार्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ से जो सेकंड पॉइंट्स है, यहाँ से आप प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं, वेब डिजाइनिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो एक HTML है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, इसके मदद से हम एक वेब पेज बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे, इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम HTML टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। HTML के मदद से हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर वगैरह, क्या एलिमेंट ऐड करने हैं अपने वेबसाइट में, वो सब कुछ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास चैप्टर होगा वो होगा कास्केडिंग स्टाइल्स। इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमने वेबसाइट पे कंटेंट ऐड किया है उसका कलर कैसा हो, उसका लुक कैसा हो, वो किस तरह से दिखे, किस पोजीशन पे दिखे। तो लुक एंड फील एंड पोजीशन सेट करने के लिए हम CSS चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हमारे पास अभी HTML जब पढ़ लेंगे उसके बाद हम CSS चैप्टर को पढ़ेंगे। CSS चैप्टर पढ़ने के बाद इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है CSS फ्रेमवर्क। यानी कि CSS में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें करने के लिए बहुत सारा कोडिंग करना होता है, लेकिन फ्रेमवर्क जो होता है ये पहले से कोडिंग किया हुआ होता है, बस हमें इसके क्लास को यूज़ करना होता है, यानी कि इसके हेडिंग्स को यूज़ करने होंगे। और जैसे हम इसके हेडिंग्स यूज़ करेंगे ये ऑटोमेटिक उसके सारे प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक काम करने लगेंगे। दैट मीन्स कि कम मेहनत में बहुत बेहतरीन इफेक्ट हम अपने वेबसाइट पर डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS फ्रेमवर्क। ओके, तो अब हम अगले पॉइंट्स को देखते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हमारे वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में मदद करता है, यानी कि एक्शन लेने में मदद करता है। कोई भी एक्टिविटी करना है हमारे वेबसाइट पे तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट, बिकॉज कि आजकल के जितने भी वेबसाइट्स बन रहे हैं, इवन छोटा से छोटा क्यों ना बन रहा है, वो सब कुछ एक फॉर्म तो सबमिट करेगा ही करेगा, एक रजिस्ट्रेशन तो जरूर कराएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यूजर्स को देगा, कुछ इंफॉर्मेशन यूजर्स से लेगा, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी होता ही होता है। दैट मीन कि अब स्टैटिक वेबसाइट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हर वेबसाइट आजकल डायनेमिक बन रहे हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन रहे हैं, तो उनके लिए हमें जावास्क्रिप्ट का पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इवन जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्लेवर्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि एंगुलर जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट है, इस तरह के बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के वर्जन अवेलेबल है। बट अगर अभी हम लर्निंग स्टेज पे हैं, स्टार्टिंग स्टेज पे हैं,
है तो हम जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे जितने भी एडवांस जावास्क्रिप्ट के जो लैंग्वेजेस हैं उनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उनको अपने वेबसाइट में यूज करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। तो हम इस कोर्स के अंदर बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो आज तक कभी प्रोग्रामिंग किया नहीं है, आज तक किसी प्रोग्रामिंग से पाला नहीं पड़ा, वो सारे स्टूडेंट इसको सीख सकते हैं, क्योंकि मैं इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया हूँ, इस तरह से इसका सिलेबस मैंने सेट किया ताकि हर कोई इसको बड़े ही आसानी से समझ सके और पढ़ सके और इसमें बहुत अच्छा कर सके। ओके, अगला पॉइंट हमारा है पब्लिशिंग। पब्लिशिंग का मतलब होता है कि वेबसाइट को पब्लिश करना होता है। वेबसाइट का डिजाइनिंग हो गया, वेबसाइट बन गया, वेबसाइट बन जाने के बाद जब तक हम इसको इंटरनेट पे अपलोड नहीं करेंगे, जब तक हम इसको होस्टिंग नहीं करेंगे, तब तक ये हमारा जो वेबसाइट होता है गूगल पे आता नहीं है। हर कोई इस वेबसाइट को यूज नहीं कर सकता, हर कोई इस वेबसाइट के मदद से कोई बेनिफिट्स नहीं ले सकता, तो हमारा वेबसाइट बनाया हुआ बेकार भी हो सकता है। इसलिए होस्टिंग करना जरूरी होता है। जब तक हम होस्टिंग नहीं करेंगे तब तक हमारे वेबसाइट को दुनिया के बारे में नहीं पता चलेगा, दुनिया इसको यूज नहीं कर पाएगा, और जब तक दुनिया इसको यूज नहीं करेगा तो फिर वेबसाइट बनाने की कोई फायदा ही नहीं है। एक्चुअली हम वेबसाइट जो बनाते हैं, वेबसाइट बनाने का मेन पर्पस ही होता है इंफॉर्मेशन को शेयर करना, एक दूसरे के साथ शेयर करना, और जब तक कोई हमारे वेबसाइट पे विजिट नहीं करेगा तब तक हमारे वेबसाइट से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगा, उतना पॉपुलर नहीं हो पाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने वेबसाइट को होस्टिंग करें। तो सबसे पहले हम इन सारे स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, HTML पढ़ेंगे, CSS पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे। तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट जो है बेसिक क्लियर करने के बाद, इसके बाद जब हम अगला कोर्स स्टार्ट करेंगे एडवांस का, तो उसमें हम बैकएंड के बारे में बात करेंगे। एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूंगा कि इस कोर्स के अकॉर्डिंग हम केवल और केवल फ्रंट एंड तैयार कर सकते हैं। फ्रंट एंड का मतलब होता है जहां यूजर इंटरेक्ट करता है, यूजर इंटरफेस हम तैयार कर सकते हैं। यानी कि जैसे हम flipkart.com सर्च करते हैं तो हमारे पास जो स्क्रीन पे जो पेज ओपन होता है, हम उस पेज को डिजाइन कर सकते हैं बस। और जैसे बाय नाउ पे क्लिक करते हो, उसके बाद अपना डिटेल्स देते हो, पेमेंट करते हो, तो ये सारी जो बात होती है, ये पेमेंट सबमिट करने के बाद वो सब कुछ बैकएंड में काम करता है। जो डेटाबेस का काम होता है, जहां हमारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, वो सब कुछ बैकएंड का काम होता है। तो बैकएंड को काम करने के लिए हम एडवांस जब कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उनमें इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस कोर्स के अंदर हम केवल और केवल फ्रंट पेज हम तैयार करना सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने आज पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग। आज हम अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। अगले क्लास से हम HTML को स्टार्ट करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एक वेबसाइट बनाने के लिए मेन टॉपिक्स HTML से ही है। हम थोड़ा सा ब्रीफली इंफॉर्मेशन देख लेते हैं वेब डिजाइनिंग होता क्या है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे व्हाट इज वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग का मतलब होता है वेबसाइट को डिजाइन करना, वेबसाइट को तैयार करना। वेबसाइट को ही शॉर्ट फॉर्म में वेब कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो लिख रहा है वेब डिजाइन इज द प्रोसेस टू क्रिएट वेबसाइट। एक वेबसाइट क्रिएट करना है तो उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, वो सारे प्रक्रिया क्या कहलाएगा, तो वेब डिजाइनिंग के अंतर्गत आता है। अब इसमें हम प्लानिंग भी कर सकते हैं, यानी कि हमें कोई वेबसाइट तैयार करना है तो किस टॉपिक पे हमें वेबसाइट तैयार करना है, उसके कंटेंट क्या होंगे, इसके ऑडियंस क्या होंगे, इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, इसको अपलोड कैसे करेंगे, इसको अपडेट कैसे करेंगे, इन तमाम बातों को जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जहाँ पे इसको हम प्रोसेस करते हैं, ये सब कुछ वेब डिजाइनिंग के अंतर्गत आते हैं। वेब डिजाइनिंग इतना ही नहीं है, इसके अलावा आपका मोबाइल ऐप भी आ सकता है, वेब ऐप भी आ सकता है। अगर पहले से कोई वेबसाइट बना हुआ है तो उसके मेंटेनेंस करना भी एक वेब डिजाइनिंग के पार्ट्स हो सकते हैं। तो इस पॉइंट से हमने समझा कि वेबसाइट तैयार करने की प्रोसेस जो होता है उसी को हम वेब डिजाइनिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है वेबसाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेज। कोई भी वेबसाइट होता है तो उस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं। अगर हम इसको आसान भाषा में समझे तो हमारे पास जो नोटबुक होता है, नोटबुक में एक्चुअली नोट पेज होते हैं, वो पेज जिस पे हम नोट डाउन करते हैं, और बहुत सारे 100 पेज, 50 पेज, 10 पेज, 20 पेज, जितने भी पेजेस के ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप उसी बुक को हम नोटबुक बोलते हैं। दैट मीन्स एक्चुअली वेबसाइट इज नथिंग, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेज बहुत सारे को एक साथ, एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया जाता है, और ये पूरे ग्रुप को हम एक वेबसाइट कहते हैं। जैसे कि अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट पे हम अगर कैटेगरी में जाएँ तो जैसे जीन्स टी शर्ट वाले बटन्स पे हमने क्लिक किया तो जीन्स टी शर्ट का एक हमारा पेज खुल जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक का हमारा वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे कैटेगरी बने हुए,
बहुत सारे वेबसाइट के पेज बने होते हैं और हर पेज एक दूसरे से लिंक होता है, जिसके हम पूरे ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं, सारे पेज के कलेक्शन को क्या कह रहे हैं, तो वेबसाइट कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि वेब पेज बनता कैसे है, हाउ टू डिजाइन वेब पेज, क्योंकि हम ये जो कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे हम क्रिएट करने की बात करेंगे, नया बनाने की बात करेंगे, और इस कोर्स को जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो एक आप अपना खुद का भी वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि हम इसमें बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट्स को क्लियर करते चलेंगे। अगले पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट्स यहाँ पे ये कह रहा है, वेब पेज कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट, जो हमारे वेबसाइट का पेज होता है उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें बहुत कुछ एलिमेंट्स होते हैं। उस एलिमेंट्स को हम जैसे कह सकते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट हो गया, कलर हो गया, फॉर्म हो गया, टेबल हो गया, इमेज हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के बहुत सारे हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। हम अपने वेबसाइट पे ऑडियो क्लिप भी ऐड कर सकते हैं, वीडियो क्लिप भी ऐड कर सकते हैं, इस तरह के कुछ भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। इस इमेज से भी आपको क्लियर हो पा रहा होगा, यहाँ पे छोटे छोटे क्या बने हुए हैं, तो इमेज लगे हुए हैं, यहाँ पे एक मेन्यू बार बना हुआ है, टेबल बने हुए हैं, यहाँ पे मेन्यू करने के लिए बटन्स बने हुए हैं, ओके। तो यहाँ पे नीचे आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, कुछ आर्टिकल है, कुछ फॉर्म बने हुए हैं, बहुत कुछ हम अपने एलिमेंट अपने वेब पेज पे ऐड कर सकते हैं, और हर पेज एक दूसरे पेज से रिलेटेड होते हैं, और बहुत सारे पेज का अगर हम ग्रुप बना रहे हैं, एक दूसरे से लिंक कर दे रहे हैं, तो इन सभी वेब पेज के कलेक्शन को क्या कहेंगे, तो वेबसाइट कहेंगे, ओके। अगला पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है कि वेब पेज क्रिएटेड इन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अगर हमें वेब पेज क्रिएट करना है तो वेब पेज बनाने के लिए हमें किस लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेरी गुड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं HTML। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज, अच्छा हाँ एक पॉइंट आप याद रखिएगा, HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज होता है। मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास इतनी कैपेबिलिटी होता है कि वो कुछ डिसीजन ले सकता है, बट हमारे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता, ये केवल मार्किंग करके हमारे कंटेंट को वेब पेज पर डिस्प्ले कराने का काम करता है और कुछ काम नहीं करता। इसके बाद अगला पॉइंट्स जो अगला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे HTML कंप्लीट होने के बाद CSS पढ़ेंगे, और CSS में हम सीखेंगे कि जो हमारा वेब डिजाइनिंग होता है, जो हमने एलिमेंट्स ऐड किए हैं अपने वेब पेज पे, उसको लुक एंड फील कलर कैसे दे सकते हैं। देन उसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा JavaScript की जो मैं बात कर रहा था, उससे हम अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को, दैट मीन्स HTML चैप्टर को हम कल स्टार्ट करेंगे, और कल हम एक छोटा सा बेसिक सा एक अपना HTML पेज यानी कि हम एक वेब पेज तैयार करके देखेंगे। तो कल का क्लास इंपॉर्टेंट है, कल हम बहुत सारी बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे वेबसाइट की, जब हम कोडिंग करेंगे तो उसके सिंटेक्स से लेकर के हम HTML का इंट्रोडक्शन सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल हम अपना एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाकर देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर ये लग रहा है कि ये कोर्स हेल्पफुल है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हुए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल से जुड़े, ताकि इस कोर्स का हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिल सके और आप एक अच्छा वेब डिजाइनर बन सके और अपने लाइफ को सेट कर सके और किसी कंपनी में आप जॉब ले सके। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, ये कोर्स बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप अपने सभी ग्रुप्स में, आप अपने फेसबुक वॉल पे, हर जगह इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस कोर्स के मदद से हर एक इंसान अपने लाइफ को, अपने कैरियर को सेट कर सके और हमारे मिशन में आप हेल्प कर सको। मेरा मिशन यही है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, हर स्टूडेंट्स को एक फ्री अच्छा नॉलेज मिल सके, ताकि वो बेरोजगार ना रहे, उसके पास कुछ ऐसा स्किल हो ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कंफ्यूजन कुछ भी है, अगर आपके पास कुछ क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।